सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू पोकेमॉन फायर एज। जहाँ पर दोस्तों लास्ट टाइम हमने दोस्तों एक्सप्लोर किए थे, दोस्तों ने दो नए पोकेमॉन दोस्तों हमने ऑप्टेन किए थे, दो नए पोकेमॉन मतलब कि तीन पोकेमॉन दोस्तों हमने ऑप्टेन किए थे। दोस्तों सबसे पहला था दोस्तों हमारा पोकेमॉन था दोस्तों वो था चार्मेंडर। और दोस्तों आगे चलकर जो है हमें जो है यहाँ पर ऑप्टेन हुआ दोस्तों जो कि 10 क्वार्टर में। अपना कैमरा एक बार ठीक कर लूँ। ओके गाइस यहाँ पर दोस्तों थर्ड पोकेमॉन था दोस्तों हमारा स्क्रैबी। दोस्तों वो जो है यहाँ पर हमें पीसी में दोस्तों स्टोर है। तो दोस्तों आज जो है हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी हीलिंग जो है वो हो चुकी है। तो लेट्स गो गाइस टू रॉक आर द नेक्स्ट जिम बैच विच विल बी दी वर्मिलियन सिटीज जो बैच। यस गाइस टुडे वी आर गोइंग टू अर्न दैट बैच। और दोस्तों मैंने अपने कौन सा भी दोस्तों वॉइस मैंने अपना मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा वॉइस है दोस्तों नज़र आ रही होगी, बिकॉज मैंने अपना कोई भी माइक प्लग इन नहीं किया है। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता नहीं है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ओके यहाँ पर मैंने अपनी टीम भी दोस्तों यहाँ पर हमारा बैटल तो चल ही रहेंगे। ओके यहाँ पर हमारा ब्रॉक। ओके यू आर मूविंग फास्ट थ्रू, दिस इज ऑलरेडी गोइंग टू बी योर थर्ड जिम आई हैव मैनेज्ड ट्रैवल और लिटल ऑन माई ओन, थिंक आई कैन कीप अप विद यू। ओके गाइज हियर वी गो थ्रू द गेम वर्सेस द ब्रॉक। यस गाइज देखते हैं यहाँ पर, अभी मैं वॉइस देख लेता हूँ एक बार। ओ बहुत सारी आ रही है। ओके दोस्तों एक बार मैं हमें अपना माइक मुझे लगता है कि मुझे प्लग इन करना ही चाहिए। सो तो चलो गाइस यहाँ पर मुझे लगता नहीं आपको अभी यहाँ पर आपको मुझे लगता नहीं आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं दोस्तों यहाँ पर सुनाई दे रही होगी। ऑल्दो मैंने अपना जो दोस्तों माइक जो अभी यहाँ पर प्लग इन क्या कर दिया हूँ। ओके गाइस मुझे लगता नहीं। ओके यहाँ पर कंप्लीट दोस्तों वॉइस जो ब्रेक हो चुकी है। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है हम बैटल की तरफ दोस्तों ध्यान दे देते हैं। ओके तो चलो गाइस यहाँ पर हम पूरे की तरफ रहे तैयार। थोड़ा सा दोस्तों मुझे लगा था कि लेकिन मैं अभी दूसरी जगह पे बैठा हूँ क्योंकि दोस्तों वहाँ से जो है वो ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ की आ रही थी, वरना तो अभी यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा क्लियर मुझे आती नहीं है। तो चलो गाइस यहाँ पर हम बल्बासोर का इस्तेमाल कर लेते हैं और टू डिफीट इज जियो ड्यूड। ओके लेवल 19 मुझे लगता नहीं डिफीट कर पाएगा, लेकिन हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये जो टिप होगी ना दोस्तों बहुत दोस्तों मैं टिप नहीं बांटता, लेकिन आज दोस्तों मैंने टिप बात की ना दोस्तों, बिकॉज गाइज दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम प्लेइंग दी बैटल। यस गाइज दिस इज़ द सेकेंड टाइम, बिकॉज दोस्तों ये दोस्तों मैं वीडियो दोस्तों अपनी आप एक्सेप्ट मेरे बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि बिकॉज वीडियो आएगी भी या नहीं, बिकॉज मुझे कुछ भी पता नहीं था आएगी भी या नहीं। अभी तक मुझे पता नहीं है गाइज, जब तक ये वीडियो पब्लिश नहीं हो जाती तब तक मुझे कुछ भी पता नहीं है। बिकॉज दोस्तों ये जब मैं जिम के ट्रेनर के साथ बैटल कर रहा था ना दोस्तों, तभी जो है दोस्तों वहाँ पर हम यहाँ जो वर्जन था वो था 2.21 और दोस्तों अब जो आ चुका है 2.22। तब दोस्तों उस वर्जन में दोस्तों हुआ क्या था गाइज, जब मैं अपने पोकेमॉन को सिलेक्ट किया था ना तभी दोस्तों हमारे पास एक ही सिलेक्ट करने के लिए पोकेमॉन था जो कि था पिकाचू। मैंने पिकाचू को सिलेक्ट किया था और दोस्तों तब जो है हम हार चुके थे। और उसको हार के बाद ना दोस्तों तभी ओके यहाँ पर मैं स्टूडेंट के तरफ ध्यान देता हूँ। आई गेस आई शुड कंटिन्यू माई जर्नी, वुडंट यू टू स्लो टू यू डाउन नेक्स्ट टाइम। तो चलो गाइस हम जो है यहाँ पर जाने वाले हैं, मैं अपनी स्टोरी जो है ना आपको बाद में सुनाता हूँ। तो ओके वोल्वी सिटी पोकेमॉन जिम लीडर लुटैनिक सर्च द लाइटनिंग अमेरिकन। यस वी आर गोइंग टू चैलेंज दी जिम लीडर फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम, कुछ भी बोल सकते हो लुटैनिक सर्च। यू येस लेट रेड पोकेमॉन दे आर वीक अगेंस्ट ओनली द ग्राउंड टाइप, दे आर स्ट्रांग अगेंस्ट द फ्लाइंग एंड वाटर फ्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड स्टील मूव्स, ऑल्सो डोंट डू मच डैमेज। ओके गाइज यहाँ पर जैसे कि उसने कहा है, और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना गाइज बैटल तो ये हमारे चलते रहेंगे, उसमें हमें कुछ दिक्कत की बात है नहीं। पर लेकिन दोस्तों जो है ना मैं आपको गेम के दोस्तों अभी तो वो आपको खेल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2.21 गेम्स तो वर्जन आप खेल रहे हो तो मैं आपको प्लीज़ कह रहा हूँ दोस्तों आप अपडेट कर लीजिए अपना जो वर्जन है, बिकॉज दोस्तों उस वर्जन में दोस्तों बहुत सारे ग्लिचेस हैं। जबकि आप जब आपको पोकेमॉन कौन सा भी फ्रेंड हो जाएगा ना, मतलब कि आप जिम लीडर में बैटल कर रहे हो और दोस्तों आपको लिमिटेशन दी है कि एक ही पोकेमॉन, और दोस्तों वो पोकेमॉन जो डाउन हो जाएगा तो आपके जब आप हीलिंग करोगे ना तो आपके पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ना कि तब मैंने गलती क्या की थी, मैंने बैटल के बाद भी दोस्तों जो अपना गेम जो है वो सेव किया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब इस वजह से दोस्तों मुझे वो गेम जो है फिर से खेलना पड़ रहा है। पता नहीं यार कैसे मैं कितने जल्दी से, मतलब कि जैसे मुझे पता चला ना फिर से मैंने गेम को, मतलब कि मैंने फायर एज की जो मेकर्स है ना उनसे मतलब डिस्कॉर्ड के साथ डिस्कॉर्ड के सर्वर से बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप जिम लीडर से बात पहले जब
बैटल करने से पहले जो आप ना गेम्स को सेव कर करा कीजिए, ना कि जब आप बैटल करने के बाद अगर आप हार चुके हैं तो बैटल मत जो सेव करना एग्जाम सेव बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर आप जीत चुके हो ना बैटल तो आप सेव कर सकते हो। और दोस्तों प्लीज़ चेक करते रहना कि जब आपके पोकेमॉन की पूरे के पूरे जितने भी आपके पार्टी में पोकेमॉन्स थे ना उतने सारे वो रहने चाहिए, बिकॉज दिस वॉज द बिगेस्ट ग्लिच इन द गेम ऑन द लास्ट वर्जन। बिकॉज अभी मैंने अपना गेम वर्जन जो अपडेट कर चुका हूँ 2.22, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना तभी 2.21 दोस्तों मैं वर्जन खेल रहा हूँ, लेकिन जब हम बैटल वगैरह हो जाएगा ना तभी दोस्तों हम 2.22 वर्जन खेलने वाले हैं। उसे दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है इस गेम में, बिकॉज आपको पता नहीं कि कौन सा कभी ग्लिच आ जाए। मुझे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्लिच हुआ था, या मुझे दोस्तों मतलब कि मैं अगर मैं बातचीत नहीं होता थी ना मेरी उनसे तो मुझे फिर से मतलब कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि ऐसा गेम ग्लिच होगा। इसलिए दोस्तों उसके बाद मैंने किया क्या, मैंने बात की, उन्होंने कहा कि कभी भी अपना गेम अगर आप हार रहे हो जिम लीडर से तो गेम बिल्कुल भी सेव मत करना, अगर आप जीत चुके हो तो भी सेव करना। उस वक्त दोस्तों बहुत मुझे मतलब कि अच्छा हुआ कि मेरा जो गेम है फिर से चालू हो गया। और दोस्तों थैंक यू सो एंड दोस्तों थैंक यू सो मच टू दी दी मेकर्स ऑफ दी मेकर्स ऑफ दिस गेम जिन्होंने मुझसे बात की। उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनका डिस्कॉर्ड का कुछ तो अलग ही नाम था उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं उनको पर्सनली थैंक कर सकता ना उन्होंने थैंक यू भी कहा था। और थैंक यू सो मच मैन, आपकी वजह से दोस्तों मैं फिर से गेम खेल पाया। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है वाइट ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि हम ये बैटल को ख़त्म करने वाले ओके, अगर ये हिट होता था ना तो हम हार जाते थे पूरा पूरा के पूरे। ओ शिट ओके गाइस यहाँ पर ना मैं रिवाइव दे देता हूँ अपने, किसको दूँ यार पिलो ओके चलो किसको दें यार रिवाइव ओके पिकाचू को ही दे देते। दोस्तों ये बैटल तो चल ही रहा है दोस्तों अपना, और तब तक दोस्तों अगर आपने वीडियो को वीडियो लाइक कहीं कर रखा है ना जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी मतलब कि न्यूज़ देखी है दोस्तों, बिकॉज मैंने आपको पता ही होगा पोकेमॉन बंटाई का दोस्तों चैनल जो है ना हैज़ बीन डिलीटेड एंड ही हैज़ ए न्यू क्रिएटेड। सो प्लीज़ आप दोस्तों अगर पोकेमॉन बंटर को अगर जानते होंगे तो आपको पता ही होगा ही इज़ वन ऑफ दी यूट्यूबर पोके यूट्यूबर, बहुत अच्छी वीडियो करते हैं मतलब ये मैं भी उनकी वीडियो देखता हूँ, वो भी पोकेमॉन फेरेसी सेरेसी जिसको खेल ही रहे थे। पर लेकिन दोस्तों उनके सिबलिंग्स ने जो थे ना उनके गलती से उनका चैनल जो है वो डिलीट कर चुका था, इसलिए मुझे न्यूज़ आई थी, मुझे लगा कि मैं कवर अप कर दूँ इसलिए मैंने कवर अप कर दिया। मुझे कोई मैं इनका वो पर्सनली जानता नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ दी पोकेमॉन बंटर, मैं भी उनकी वीडियोज़ देखता हूँ कभी कभी देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिले तो, बट आई एम हिज सब्सक्राइबर। अगर आप पोकेमॉन बंटर अगर आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आई एम योर सब्सक्राइबर आई एम योर बिग फैन ब्रो ओके। यहाँ पर उनका नाम शायद अनिकेत है मैंने देखा ओके। यहाँ पर स्विच जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, तो चलो गाइज यहाँ पर जो है हमारे मंजिल जो है वो यहाँ पर खुल चुकी है। सो ऑल राइट आई एम ऑल हील्ड अप, यू डोंट लाइक ऑफ अ चैलेंज टू मी बट आई गेस आई विल बैटल यू एनीवेज, प्रिपेयर टू बी इलेक्ट्रोकूटेड श्रिंप ओके। दोस्तों यहाँ पर इसको मैं ना मतलब कि अपडेट के पहले खेल रहा हूँ। तो चलो गाइस यहाँ पर बैटल जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। जिम लीडर लुटेनिक सर्च वुड लाइक टू बैटल अगेंस्ट अस, यहाँ पर उसने राइचू लेवल 20 लेवल 21 का है ओके डबल किक शिट 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 शिट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था यार गाइस, वी हैव लॉस्ट अगेंस्ट द लुटेनिक सर्च बट वी आर अगेन गोइंग टू चैलेंज द लुटेनिक सर्च गाइज ओके। यहाँ पर हमारी हीलिंग हो रही है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ही पोकेमॉन दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज गाइज दिस इज द बिगेस्ट ग्लिच ऑफ द गेम टिल नाउ। मैंने ऐसे ग्लिच अभी देखा नहीं था इस गेम में, मुझे पता नहीं था, मुझे कमेंट आ रहे थे इस ग्लिच के बारे में। और दोस्तों मैं जो हूँ अभी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने वाला हूँ, सो आई विल बैक टू यू आई वेन आई कम्प्लीट माई ट्रेनिंग गाइज ओके। हियर वी कम अगेन द 3 2 1 गो। सो ऑल राइट गाइज आई हैव बैक। सो और दोस्तों मैंने जो है अपनी ट्रेनिंग जो है वह कम्प्लीट कर चुका हूँ दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा था यहाँ पर अपडेट दोस्तों मैंने मार दिया था अपने गेम का। सो चलो गाइज यहाँ पर हमारी हो चुका है, तो चलो गाइज चलते हैं अभी आगे के सफ़र की तरफ। वी आर गोइंग टू चैलेंज अगेन द जिम लीडर, सो यस गाइज वी आर अगेन गोइंग टू चैलेंज द जिम लीडर। हमने यहाँ पर पोकेमॉन्स को यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी है, और मैं पोकेमॉन्स आर गोइंग टू दी लेवल अप टू लेवल 20, और दोस्तों सारे काफ़ी सारे मूव भी चेंजेस हुए हैं। तो चलो गाइज यहाँ पर हमने सेव भी कर लिया है गेम ओके। सो ऑल राइट वी आर ऑल सेट अप चैलेंज जिम लीडर।
गाइस एक मिनट का टाइम है, डन सर्च पे क्लिक। ओके और उसको दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आपको मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या आपको पार्टनर को मैं करो कि मेगा फोन वो मेगा फोन मुझे लगा। ओके पर हम फिर से स्पार्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके अगर ये हिट हो तो गाना बजाओ, परेशानी है होगी यहाँ पर। फिर भी यार पिकाचु इस मेगा पंच से मारेगा, प्लीज प्ले पिकाचु, आई ट्रस्ट यू पिकाचु एंड यू नेवर ब्रोक माय हार्ट। एंड यस गाइस वी हैव सक्सेसफुली डिफीटेड द ल्यूटेनिक सर्च एंड हिज राइचु। वी हैव टू बीट ल्यूटेनिक सर्च, व्हाट हाउ इज दिस पॉसिबल, 3000 आर्मर अर्निंग हुई यहाँ पर। वी हैव ऑन द थंडर बैच, यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारे रिलीजन का थर्ड गेम बैच, मोर 8 टू गो। यहाँ पर टीम 24 में मिले इट डज डैमेज है पसंद आए। लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा भी कोई मिलना और